नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। मोहाली में जिस जम्मू के गैंगस्टर की हत्या की गई थी, घात लगाकर हत्या की गई थी, उसमें जो आरोपी थे, जिन लोगों ने हमला किया है, जानकारी ये मिली है कि उन हमलावरों को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चुनेंगे। इस पर एक प्रेस वार्ता जो है वो एसएसपी मोहाली की तरफ से की गई है। और मामला थोड़ा सा हम आपको याद दिला दें, ये मामला जो है वो दरअसल पिछले दिनों खबर आई थी 4 तारीख को कि मोहाली के बाहर एक जम्मू के गैंगस्टर की हत्या कर दी गई है, वहां पर गैंग वार हुई है। और ये भी जानकारी हमें मिली थी कि उस दौरान जो थे 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, गैंगस्टर जो थे वो वहां पर बैठे थे। जानकारी ये भी मिली थी कि लाइव लोकेशन तक शेयर की गई थी और जिन लोगों ने हत्या करवाई वो शायद उसके साथी ही थे, 2 साथी थे, उनमें से शायद एक साथी ने हमलावरों को लोकेशन दी थी और उसके बाद एक प्लान तरीके से राजेश डोगरा उर्फ मोहन चीर की हत्या कर दी गई। अब इस मामले में पिछले कुछ समय से लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था, कोई कह रहा इसने हत्या करवाई, कोई कह रहा इसने हत्या करवाई, लेकिन अब इस मामले में खुलासा जो है वो हो रहा है। एयरपोर्ट रोड के उत्ते उस दे विच एक बंदे नू राजेश डोगरा नाम के बंदे नू करीब 14-15 गोलियां मार के उन्होंने इमीजिएट उत्ते मार दिता गया सी ते मौके ते उहदी जिहड़ी सी डैथ हो गई। इस इंसीडेंट होने तो इमीजिएटली बाद साडी जिहड़ी मोहाली पुलिस है वह इमीजिएटली हरकत दे विच आई ते साडियां जिहड़ियां वख-वख टीमां सीगियां वह इस ते लग गईआं इहनू ट्रेस करन दे लई। तो जो केस है इमीजिएटली असं पिछले विदिन 3 डेज जो है इनू ट्रेस भी किया। ट्रेस के नाल नाल जिहड़े इहदे विच 8 शूटर्स जो इनवॉल्व सीगे उन्हां चों 5 बंदे जो गिरफ़्तार कर ले गए। जिहड़े 5 तों जो गिरफ़्तार व्यक्ति है उन्हां चों जो मेन इहदा किंगपिन है जिन्हें सारी प्लैनिंग की सी, जिसका नाम अनिल सिंह उर्फ बिल्ला, उन्होंने भी गिरफ़्तार कर लिया गया। उस दे नाल नाल सानू 6 वैपन जिहड़े है जिहड़े वारदात दे विच इहनां चों 4 वैपन जो वारदात के भी वरते गए थे, तो 2 वैपन सपोर्ट वास्ते सी, तो जे 6 वैपन है वो रिकवर हुए हैं। उस तो इलावा 71 जे लाइव कार्टरेजिज वो रिकवर हुए हैं, प्लस 4 कारा जिड़िया कि इंसीडेंट के वरतिया गई सी, चारों की चारों कारा जी है वो रिकवर हुई। और अब जानकारी ये मिली है कि 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी है विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर है मोहित जम्वाल। मोहित जी, दीपक, अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो जम्मू के गैंगस्टर की हत्या की गई थी मोहाली में, क्या वो मामला सुलझ गया और आरोपी गिरफ्तार हो गए? दीपक, 8 में से अभी जो एसएसपी साहब द्वारा प्रेस वार्ता की गई उसमें बताया गया था कि 8 शूटर में से 5 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जी, और 4 कारें बरामद की और भारी मात्रा में असला बारूद भी इन लोगों से बरामद हुआ है। दीपक, 8 लोग थे हत्या में शामिल जी, 8 शूटर बोले हैं उन्होंने, बोला 8 शूटरों में से 5 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी गिरफ्तारियां हुई अभी बाकी है। दीपक, अच्छा जी, कहां से गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ जानकारियां प्रेस वार्ता में एसएसपी साहब ने दी हैं? एसएसपी साहब ने कहा कि इन लोगों को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। अच्छा जी, यूपी से गिरफ्तार किए गए हैं जी दीपक, और इनसे 4 गाड़ियां जो इन्होंने हमले के टाइम पर जो यूज की थी उन गाड़ियों को भी बरामद कर लिया गया है और इनसे भारी मात्रा में असला भी बरामद किया गया है। दीपक, अच्छा इनके पास हथियार भी थे जी? दीपक, अगर मैं आपको हथियारों की बात करूं, इनके पास से जो पुलिस ने रिकवर किए हैं 3 पिस्टल है, 2 रिवॉल्वर, 1 पंप एक्शन गन 12 बोर और 71 जिंदा कारतूस थे जिस समय इनकी गिरफ्तारी हुई है। दीपक, इन्होंने साथ ही रखे थे? बिल्कुल, जिस समय पुलिस ने दबिश दी है वहां पर जरूर इनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई होगी, लेकिन पुलिस ने इनको यूपी से काबू कर लिया है। और दीपक, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी पहचान इस तरह से पुलिस द्वारा बताई गई है, अनिल सिंह एलियस बिल्ला, आरओ गुड़ा सलातिया, ये पुलिस का डिसमिस्ड कर्मचारी है जिस पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में नौकरी कर चुका है। अच्छा, इसका तो पहले भी नाम आता है कुछ मामलों में जी। दीपक, जो ये दूसरा आरोपी है इसका नाम है श्यामलाल आरओ रामनगर, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ही सिपाही है और इस समय ये सस्पेंड चल रहा है, इसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये भी हत्या में शामिल था जी? दीपक, पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी में इसका नाम बताया, बाकायदा प्रेस नोट में बताया गया है कि इसका नाम श्यामलाल है और ये रामनगर का रहने वाला है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यकर्ता है,
लेकिन इस समय सस्पेंड चल रहा है। अच्छा, ये दोनों लोग हो गए जम्मू के। जी दीपक, जो तीसरे आरोपी की पहचान हुई है वो है हरप्रीत सिंह और वो मेरठ, वो यूपी मेरठ का रहने वाला है, शूटर है। हाँ, ये शूटर है जो हायर किए गए थे। और दीपक, जो चौथा इसमें आरोपी था उसका नाम सतवीर सिंह एलियस बब्बू है, वो भी यूपी का रहने वाला है। अच्छा, और पांचवें आरोपी की जो पहचान है वो संदीप सिंह एलियस सोनी, ये फतेहगढ़ साहब पंजाब का रहने वाला है। दीपक, मतलब एक पंजाब का है, दो यूपी के, दो जम्मू के, अभी बाकी गिरफ्तारियां होनी बाकी है। जी दीपक, इस तरह की भी कोई जानकारी मिली है कि ये हत्या को प्लान करके की गई थी कि ऑन स्पॉट ही सोचा और बंदा बाहर आ रहा है तो मार दिया, ऐसा तो नहीं? दीपक, ऐसा नहीं था, इसको किसी शख्स ने फोन करके मोहन चीर को वहाँ पे मॉल के बाहर बुलाया था, जिसके वो लगातार संपर्क में था, कोई राजा नाम बता रहे थे एसएसपी साहब, पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, ये उस व्यक्ति के संपर्क में था, वो कॉल करके उसने इसको बोला यहाँ आने के लिए, इसके लोकेशन दी गई थी, इसके साथ जो एक इसके साथ दो लोग थे उनमें से एक बंदे ने इसकी लाइव लोकेशन वहाँ पे सेंड की हुई थी। अच्छा, और ये जो हत्या में 1 करोड़ से ज्यादा रुपया ये खर्च कर चुके हैं अभी तक, और 1995 से लेकर अभी तक हत्या होने के एक दिन पहले तक ये लोग हत्या की साजिश रचते रहे हैं। इससे पहले ये पेरोल पर मोनचीर बाहर आया था, उस समय भी इसकी हत्या की प्लानिंग बनी थी जो एसएसपी साहब ने बताया, लेकिन ये कुछ दिन बाद वापस जेल चला गया, उस समय इनकी जो बदला लेने का इंतकाम था वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले इन लोगों ने मोहाली के सीपी मॉल के बाहर ताबड़तोड़ 20 से 25 गोलियां मारकर इसकी हत्या कर दी। अच्छा, मतलब तभी कहते हैं कि सलाखों के पीछे जो अपराधी हैं वो वहाँ सेफ रहते हैं, और बाहर आएंगे तो फिर उनको खतरा रहता है कि कहीं हमें मार ना दे। और कई बार इस तरह की भी बातें आती हैं कि जो अपराधी लोग हैं, गैंगस्टर लोग हैं, वो जानबूझ के भी कोई मामला बाहर करते हैं, घटना करते हैं और फिर चले जाते हैं जेल में। मोहन चीर का बैकग्राउंड देखा जाए, ये भी कोई शरीफ नहीं था, इसके ऊपर भी हत्या के कई मामले दर्ज थे जैसा एसएसपी साहब ने बताया, लेकिन वो अपनी सजा काट के हाल ही में कुछ दिन पहले बाहर आया था, और उस दिन से ही लगातार इसकी जो हत्या की साजिश बन रही थी। इस पूरे मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होनी संभव है। मास्टरमाइंड का भी कोई पता चला? दीपक, अभी तक उन्होंने खुलकर इस बात पर कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जम्मू के लोगों की और जम्मू पुलिस को लिखा है, इनके जो हथियार हैं ज्यादातर ये लाइसेंस हथियार हैं, और जो इन्होंने ये गाड़ियां खरीदी थी ना दीपक, ये भी नकली एड्रेस पर खरीदी हुई है। अच्छा, नकली एड्रेस पर खरीदी हुई है, और जो इनके पास लाइसेंस वेपन है अब उनको वेरीफाई किया जाएगा क्या वो भी नकली पते पर बनाई गई है। अच्छा जी दीपक, तो ये लोग तो हायर किए हुए थे, शूटर थे ये सारे लोग, गैंगस्टर थे, लेकिन इनके पीछे के जो मास्टरमाइंड है जिन्होंने करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया है, उनका भी कोई आता पता चलेगा कि नहीं? दीपक, ये जो अनिल सिंह एलियस बिल्ला है एसएसपी साहब के द्वारा कोई बकरा गैंग था जम्मू में, ये उस गैंग को टेक ओवर कर गया था। अच्छा। बकरे की मौत के बाद अनिल सिंह उस गैंग को चला रहा था, और अनिल सिंह ही इन सबसे बदला लेना चाहता था। अच्छा, इसके दोस्त की हत्या का बदला लेना चाहता था, तो बदले की भावना से किया गया अटैक है ये? बिल्कुल दीपक, जब एसएसपी साहब से ये सवाल पूछा गया कि ये पैसे इन लोगों ने 1 करोड़ रुपया कहाँ से एकत्रित किया, कैसे आया, तो उन्होंने ये भी बताया कि ये लोग एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, फिरौतियां लेते हैं लोगों से। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और जानकारी? नहीं दीपक, अभी तक यही जानकारी आई है, अगर कोई और जानकारी आएगी मैं आपसे साझा करूंगा। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। जी, तो ये देखें, 5 आरोपियों को, अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 5, और एसएसपी मोहाली की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई है। 1995 से ये लोग राजेश डोगरा और हुमोन चीर की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे, कई बार इन्होंने कोशिश की होगी, कई बार बीच में मैंने एक सवाल भी किया मौजी से कि अपराधी जो होते हैं, गैंगस्टर जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जानकारियाँ आती हैं बाहर आना नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं हमें जेल में ही रखो क्योंकि जेल में सुरक्षित रहते हैं, बाहर आएंगे तो मार देंगे, क्योंकि घटनाएं तो काम तो वैसे ही किए होते हैं। तो इस तरह की बातें आती हैं, और इस मामले में ये सत्यता दिखती है कि कितने सालों से 1995 से ये प्लान कर रहे थे, और अब इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, और ये बदले की भावना से, जो जानकारी एसएसपी साहब की तरफ से दी गई है कि बदले की भावना से किया गया कार्य था, बदला लिया गया है, बकरे की हत्या का बदला लिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत, नमस्कार।